हेलो बच्चों, अब आगे चलते हैं। वही पाठ है ना, कल ये पाठ संज्ञा के विकार लिंग पढ़ लिया, वचन भी पढ़ लिया, अब हम कारक पढ़ने जा रहे हैं। कारक आपको मैंने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन ध्यान से जो मैं पढ़ा रही हूँ, जो समझा रही हूँ, उसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। नहीं तो बुक पे दिया हुआ है, समझने के बाद अगर बुक पढ़ोगे या पढ़ने के बाद अगर समझने की कोशिश करोगे तो वो आसान लगेगा, ठीक है ना। तो अब हम कारक पढ़ते हैं। कारक के कारण भी संज्ञा सर्वनाम इनमें परिवर्तन आ जाता है, इसीलिए संज्ञा के विकार है। एक लिंग है, एक वचन है और तीसरा कारक है। कारक क्या है, कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध, किसका संबंध, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से, वाक्य में जो अन्य शब्द है, वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। इसमें आपकी बुक में उदाहरण दिया हुआ है, देखिए कितने उदाहरण है। अरे वहां तुम्हारी दादी ने तुम्हें जो कहानियों की किताब पढ़ने के लिए दी है वह अपने घर से ले आओ, हम दोनों बगीचे में बैठकर कहानियां पढ़ेंगे। कहानियों से मनोरंजन भी होता है और ज्ञान भी बढ़ता है। देखो अगर मैं यहाँ पर अगर मैं कारक चिन्ह हटा दे रही हूँ और आपको सुनिए कैसा लगता है, आप सुनिए। महत, तुम्हारी दादी तुम्हें जो कहानियों किताब पढ़ने दी है वह घर ले आओ, हम दोनों बगीचे बैठकर कहानियां पढ़ेंगे। कहानियों मनोरंजन भी होता है और ज्ञान भी बढ़ता है। कुछ पढ़ने नहीं लग रहा था, हमने कुछ कुछ शब्द जो है यहाँ से गायब कर दिए हैं, है ना। तो वो जो जो शब्द मैंने नहीं पढ़ा था वो कारक चिन्ह थे, वो जो उसको कहते हैं विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं, ठीक है, उसको कारक चिन्ह उसको मैंने हटा दिया था। तो बिना कारक के हम कोई भी वाक्य पूरा नहीं कर सकते, इसीलिए कहा है ना संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कौन, अब देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया है, कौन किताब लाए, महत, ये कर्ता कारक है। क्या ले आए, किताब, ये कर्म कारक है। किससे मनोरंजन होता है, कहानियों से, ये कर्म कारक है। किसने किताब दी है पढ़ने के लिए, है ना, ये संपदान कारक है। कहाँ से किताब लाई, कहाँ, घर से, ये अपदान कारक है। कैसी किताब है, कहानियों की, संबंध कारक है। कहाँ बैठकर पढ़ोगे, बगीचे में, ये अधिकरण कारक है। किसे संबोधित किया गया है, महत को, ये संबोधन कारक है, ठीक है। अब हम विस्तार से एक एक कारक को पढ़ेंगे, कर्ता कर्म कारक संप्रदान अपदान, एक एक को ध्यान से आपको सुनिए। कारक के भेद, हिंदी में कारक के कितने भेद हैं, आठ भेद हैं। कितने हैं, आठ, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, कितने भेद हैं, आठ भेद हैं ना। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण और संबोधन, ठीक है। ये आठ प्रकार के कारक है, आप लोग को याद करना है। याद करने का तरीका कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे मैं हमेशा बाकी जो क्लासेस में गए हैं, सर गए, दो दीदी भैया लोग गए हैं, उनको भी मैंने ऐसे याद करवाया है, ठीक है। एक बार मैंने बात आप रिपीट कीजिए। कर्ता ने कर को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होना संबंध का के की का रे री अधिकरण में पर संबोधन हे अरे हो, है ना। कर्ता ने कर्म को कर्म से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होना अपादान से अलग होना संबंध का के की रा रे री अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। इस तरह से आप लोग कविता की तरह याद करोगे, याद जरूर करोगे, मैं पूछूंगी, क्योंकि अगर अभी आपको इसको याद कर लिया तो आपके दिमाग में इस तरह से बैठ जाएगा, तो क्लास टाइम तक भी आप उसको भूलोगे नहीं, ठीक है, याद करोगे ना पक्का। जैसे इसीलिए मैं यहाँ पर कर्ता कालांतर कारक नहीं लिखा है, कर्ता कालांतर में कर्म कारक को याद करने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए कर्ता में कर्म को कर्म से के द्वारा, ठीक है, फिर संबोधन के लिए को अपादान से अलग होना, इस तरह से मैंने दिया ताकि आपको याद करने में आसान हो जाएगा, याद करोगे ना, ठीक है। 5 मार्क्स का ही 5 मार्क्स का आता है टेस्ट में, ठीक है। फिर अब हम एक एक को पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले है कर्ता कारक, कर्ता कारक का कारक चिन्ह
साथ भी होता है, ने कभी कभी ने लगता है, कभी कभी ने नहीं भी लगता है, फिर भी वो कर्ता कारक होता है। कैसे? कर्ता का अर्थ है करने वाला, कर्ता का अर्थ क्या है? करने वाला, जो काम करता है। ठीक है, जिन शब्दों से क्रिया करने वाला वाले का पता चले उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे विजय समोसा खाता है, यहाँ पर खाने का काम कौन कर रहा है? विजय कर रहा है, तो कर्ता कारक हुआ। लेकिन इसमें ने का प्रयोग नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है मैं बताती हूँ। इंदु ने पुस्तक पढ़ी, अब करने वाली कौन है? इंदु है, कारक कर्ता कारक है, लेकिन इसके साथ ने लगा है। देखिए प्रकरण भी दिया हुआ है, देखिए भूतकाल की क्रियाओं में ही कर्ता के साथ ने का प्रसर होता है, प्रसर या कारक से। ठीक है, भूतकाल की क्रियाओं में, सिर्फ भूतकाल में लगता है। इंदु ने पुस्तक पढ़ी, ये भूतकाल में है, और कर्ता विजय समोसा खाता है, ये वर्तमान काल है। वर्तमान काल और भविष्य काल में कारक ने का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, किस किस में नहीं होता है? वर्तमान काल और भविष्य काल में हम कर्ता कारक का चिन्ह ने नहीं लगाएंगे, लेकिन भूतकाल में लगाएंगे। क्या है कि इंदु ने पुस्तक पढ़ी, मैंने काम कर लिया था, या मैं काम कर रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ, इसमें ने का प्रयोग नहीं है कि मैंने काम कर लिया, लेकिन ने का प्रयोग है मैं। ठीक है, तो अब आगे है दूसरा कर्म कारक। कर्म कारक का कारक चिन्ह क्या है? को। ठीक है, लेकिन इसमें भी वही है, जैसे कर्ता में कभी ने लगता है, कारक चिन्ह लगता है, कभी नहीं लगता है, तो कर्म कारक में भी कभी कारक चिन्ह लगेगा, कभी कारक चिन्ह नहीं लगेगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर उदाहरण मैंने दिया था, रीता ने कविता लिखी, ने का प्रयोग हुआ है, आकाश पढ़ रहा है, आकाश के साथ ने का प्रयोग नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि वर्तमान काल है और ये भूतकाल है। ठीक है, दूसरे कर्म कारक, कर्म कारक का चिन्ह क्या है? को है। जिन शब्दों पर क्रिया का प्रभाव पड़े, हमेशा याद रखना, जो क्रिया होता है, क्रिया का असर जिन शब्दों पर पड़ता है, क्रिया का प्रभाव, ठीक है, असर या प्रभाव जो भी मान लो, जिन शब्दों पर पड़ता है वही कर्म होता है ना। जिन शब्दों का क्रिया पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे साधक ने, उदाहरण क्या है, गीता ने ईशा को बुलाया, गीता ने ईशा को बुलाया, यहाँ पर क्रिया का प्रभाव ईशा पर पड़ रहा है, किस पर पड़ रहा है? ईशा पर पड़ रहा है, इसलिए ईशा क्या है? कर्म कारक है। दूसरा, आकाश गीता बजा रहा है, देखो यहाँ पर को का प्रयोग कहीं भी नहीं है, है नहीं है, आकाश गीता बजा रहा है, क्यों? कारक क्या है इसका? देखो इन वाक्यों, यहाँ पर दूसरा वाक्य है, सार्थक ने माधव को मिठाई दी, आकाश गिटार बजा रहा है। इन वाक्यों में मिठाई देना और बजाने का प्रभाव माधव और गिटार पर पड़ता है, इसलिए ये कर्म कारक है। इसका असर है ना, ईशा पर पड़ा था और गिटार पर, अगर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, आकाश गिटार को बजा रहा है, गिटार को, तो गिटार के साथ को लगाने की जरूरत नहीं है। हमेशा याद रखना, जो भी लिविंग थिंग्स सजीव चीजें होती है, ठीक है, उसमें हम को का प्रयोग करते हैं, और जो निर्जीव चीजें होती हैं उसमें हम को का प्रयोग नहीं करते हैं। समझ में आया? गिटार निर्जीव चीज है, ठीक है, और ये ईशा सजीव है ना, समझ में आया? ठीक है, ईशा को बुलाया, भाई को खाना दिया, इस तरह से होगा। गिटार बजा रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, जिसमें को का प्रयोग हुआ? नहीं हुआ है। तो समझ में आया ना, सजीव चीजों पर को का प्रयोग होता है, यानी कि जीवित चीजों पर, जिसमें हम जैसे इंसान है ना, हम लोग हैं, बाकी जानवर भी हैं, पक्षी भी हैं, उन पर को का प्रयोग होता है, लेकिन जो निर्जीव चीजें होती हैं उन पर को का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है ना, उदाहरण दिया हुआ है पर नहीं, इसी से समझ में आ गया आप लोगों को, गीता ने ईसा को बुलाया, ईसा लिविंग थिंग्स है ना, अंग्रेजी बोले तो लिविंग थिंग्स, सजीव है, और आकाश गीता बुला रहा है, गीता निर्जीव चीज है। ठीक है, अब आगे चलो, ये आपके बुक में नहीं है फिर भी मैंने आपको बता दिया है, क्लास 7 में जाओगे तो उसमें और विस्तार से इसको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब आगे कर्म कारक। कर्म कारक का प्रसर यानी कि कारक चिन्ह क्या है? से और के द्वारा। कर्ता जिस माध्यम या साधन से कार्य करता है उसे कर्म कारक कहते हैं। काम करने का साधन या काम करने का माध्यम, जैसे चाकू से फल काटना, फुटबॉल से खेलना, गुड़िया से खेलना, पेन से लिखना, चौक से लिखना, तो से आया ना। ठीक है, ये जो साधन होता है, इसी जो हमारी सहायता करता है, सहायता उससे लेते हैं, वही कर्म कारक होता है। इसमें विभूति गुड़िया से खेल रही है, खेलने का साधन क्या है? गुड़िया है। अखिल अपनी कार से स्कूल गया, स्कूल जाने का साधन क्या है? कार है। मैंने दूसरा उदाहरण दिया है, मेस माँ ने अपने माँ ने अपन को ये गुड़िया से खेल रही है, चाकू से फल काटा,
वो हमारा माध्यम है, काम करने का माध्यम है या काम करने का साधन है, उसमें से लगता है। के द्वारा भी लिखते हैं, बस के द्वारा विद्यालय जाया गया, मैं बस के द्वारा विद्यालय गया था, ठीक है, बस से भी होगा, बस के द्वारा भी होगा, दोनों की चीजें हैं। फिर अब आते हैं संवर्धन कारक। संवर्धन कारक देखो, जिसके लिए क्रिया की जाती है, पर जिसके लिए हम काम करते हैं, देने का भाव, किसी को कुछ करने का, किसी के लिए कुछ करने का भाव आता है तो वो संवर्धन कारक होता है। जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे व्यक्त करने वाले को, शब्द को संवर्धन कारक कहते हैं। जैसे माँ ने अतुल को सेब दिया, माँ ने अतुल को सेब दिया, यहाँ पर देने का भाव है। फिर माँ ने अंशु के लिए सेब काटा, यहाँ पर भी किसी के लिए कुछ करने का भाव है, ठीक है। इन वाक्यों में सेब अतुल को दिया गया और सेब अंशु के लिए काटा गया, इसलिए ये संवर्धन कारक है। अब एक बात और, कर्म कारक ये भी को आया है और संवर्धन भी को आया है, तो आप लोग पता नहीं चला होगा कि कर्म कारक है कि कर्म कारक है, संवर्धन कारक है। संवर्धन कारक में देने का भाव होता है, जैसे अतुल को सेब दिया, ठीक है, और कर्म कारक में क्या होता है, ईशा को बुलाया, यहाँ पर देने का भाव नहीं है, ईशा को बुलाया, तो कर्म ईशा है, ठीक है, और अतुल को सेब दिया, ठीक है, यहाँ पर देने का भाव है, तो ये इसी से अंतर पता लगता है, ठीक है। अभी आपके बुक में नहीं है, फिर मैंने बता दिया है। इसके बाद आते हैं अपदान कारक। अपदान कारक में भी कारक चिन्ह से है और करण कारक का कारक चिन्ह भी से था, है ना। यहाँ पर करण कारक का कारक चिन्ह से किसके लिए होता था, ये किसी का माध्यम है ना, कलम से लिखा, चौक से लिखा, चाकू से फल काटा, कार से विद्यालय गया, गुड़िया से खेला, लेकिन अपदान कारक में से का प्रयोग होता है जब कोई भी चीज किसी चीज से अलग हो जाती है, जब कोई भी चीज किसी से अलग हो जाती है। देखो अभी ये चौक है ना, ये चौक है, अगर मैं लिखूंगी मैंने चौक से बोर्ड में लिखा, मैंने चौक से बोर्ड में लिखा, चौक से, तो ये यहाँ पर कर्म कारक होगा, क्या होगा, चौक से कर्म कारक होगा, मेरे हाथ से चौक छूटा, ठीक है, क्या है ये, मेरे हाथ से चौक छूटा, तो ये मेरे हाथ से चौक छूटा, ये आया कि नहीं, तो अलग होने का जो भाव होता है वो अपदान कारक होता है, ठीक है। जब अलग हो जाती है किसी चीज से वो अपदान कारक होता है, और यही चीज जब हमें लिखने का काम करूंगी ये मेरी हेल्प करेगा, मेरी सहायता करेगा, ये कर्म कारक होगा, ठीक है। शब्द के जिस रूप से उसके अलग होने का बोध हो उसे अपदान कारक कहते हैं। जैसे मेघ से पुस्तक गिरी, गंगा नदी हिमालय से निकलती है, जब गंगा नदी है हिमालय को छोड़ दिया, फिर नीचे जमीन पे आ गए, यानी कि ये भी अलग होने का भाव है, गंगा नदी हिमालय को छोड़कर आगे बढ़ रही है, तो अलग होने का भाव यहाँ पर दर्शाया गया है। इन वाक्यों में पुस्तक का मेघ और गंगा नदी का हिमालय से अलग होने का भाव है, इसलिए अपदान कारक है। जानिए भी दिया है, किसी से तुलना करने या डरने की स्थिति में भी अपदान कारक होता है, जैसे मोहित रोहन से अधिक लंबा है, कभी कभी क्या होता है किसी तुलना करें मोहित रोहित से लंबा है, ये भी अपदान कारक में आएगा। या श्वेता शेर से डर गई, डरने का भाव हो, तुलना करने का भाव हो, वो भी अपदान कारक में ही आता है। अब आते हैं छठा संबंध कारक। संबंध कारक का कारक चिन्ह क्या है, काके की रालेगी, क्या है, काके की रालेगी। संज्ञा और सर्वनाम के बीच संबंध बताने वाले कारक संबंध कारक कहलाता है। जैसे अनमोल का भाई गायक है, अनमोल का भाई गायक है, यह मेरा घर है, रालेगी भी होता है, ठीक है, काके की रालेगी और नाने भी होता है, यह मेरा घर है, घर का संबंध उससे है, ठीक है। इन वाक्यों में अनमोल और मेरा का संबंध भाई और घर से है, इसलिए ही संबंध कारक है। अब सातवां हो अधिकरण कारक। पर्सन क्या है, मैं और पर। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार, समय, स्थान आदि का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। माधव मैदान में खेलता है, मैदान में खेलता है, ठीक है। निखिल छत पर पढ़ रहा है, जब ऊपर होता है पुस्तक पर चौक रखी है, ठीक है। अब पुस्तक अध्यापिका के हाथ में है, ठीक है। तो मैं और पर तो ऊपर होते हैं, और जो हम किसी के कहीं अंदर होते हैं या बाहर होते हैं कहीं होते हैं, तो वहां पर मैं का प्रयोग होता है, और जो किसी चीज के ऊपर होता है वहां पर का प्रयोग होता है, ठीक है। लेकिन दोनों ही कारक चिन्ह किसका है, अधिकरण का है, किसका है, अधिकरण का, ठीक है। तो इन वाक्यों में खेलना और पढ़ना क्रिया मैदान में और छत पर हो रही है, इसलिए ये अधिकरण कारक है। संबोधन कारक। संबोधन का मतलब क्या होता है, बुलाना, किसी को संबोधन करना, रुको अरे कहाँ जा रहे हो, सुनो यहाँ बैठो। संबोधन कारक है संबोधित करना, किसी को
जैसे अरे जय कहा जा रहे हे भगवान हमारी रक्षा कीजिए, इन वाक्यों में अरे और हे जय और भगवान को पुकारने के लिए प्रयोग में लाए गए हैं, इसलिए ये संबोधन कारक है। ठीक है, आया समझ में? नहीं आया कोई बात नहीं, समझा दूंगी अच्छे से, फिर बार बार देखना वीडियो, नहीं तो पूछ लेना मुझसे, मैं आप लोगों को बता दूंगी। अगर पहले पढ़ के आए तो दिक्कत नहीं है, पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत समझने में कठिनाई होगी। ठीक है, लेकिन फिर भी घबराना नहीं। तो हमने क्या सीखा, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। हिंदी में कारक के 8 भेद माने जाते हैं। कर्म कारक में को जब क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े। संबंधन कारक में को देने का भाव प्रकट करता है। क्रिया के साथ कुछ प्रश्न लगाकर कारक की पहचान की जा सकती है। कारक की सूचना पर्सन या विभक्ति से मिलती है। जो कुछ हमने पढ़ा ठीक है, जो कुछ यहाँ पर दिया है क्रिया के साथ कुछ प्रश्न लगाकर क्रिया कारक की पहचान की जा सकती है, ये हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे क्लास 7 में। ठीक है, तो